नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चंद रोज क़बल मैंने एक प्रोग्राम किया था और जिसके थंबनेल पर पाकिस्तानी अदाकार नदीम और शबनम की तस्वीर है। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं तलबा, वो वहाँ की हुकूमत यानी अवामी पार्टी जो है, उसकी शेख हसीना जो वज़ीर आज़म है, उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। हकीकत में मैंने उस पर अच्छी तरह बहस की थी उसमें, कि किस तरह शेख हसीना ने फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30% की रिजर्वेशन का एक कानून पास किया है, जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स खड़े हो गए थे। और मैंने उसका मुवाजना भारत में जो रिजर्वेशन होती है उससे भी किया था। भारत में तो क्योंकि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वो 65% हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी मुखालफत नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर शेख हसीना ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए, यानी इससे इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो अवामी लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके फ़ायदे के लिए ये किया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश के स्टूडेंट्स उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और ये बात तो ज़ाहिर है के 1971 में जब 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, और उसमें सबसे ज़्यादा जो नेशनल असेंबली की सीटें मिली थी अवामी लीग को, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, और भुट्टो ने और जनरल यहिया खान जो उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, उन्होंने उसको हुकूमत देने से इनकार कर दिया। और उसके बारे में भी मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि किस तरह फिर मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया और ऑपरेशन सर्च लाइट जो है, जिसकी वजह से 30 लाख मुसलमान बंगालियों को मुसलमान पंजाबियों ने मारा। ये बात समझना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जब भारत ने मुदाखलत की और 71 की जंग हुई तो बांग्लादेश बना। लेकिन ये जो आज़ादी की लड़ाई थी बांग्लादेश की, उसमें एक तो उर्दू स्पीकिंग पीपल जो थे बांग्लादेश के, वो उनके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो बंगालियों को पसंद नहीं करते थे। वो तो हत्ता तक यह तक कहते हैं कि वो तो मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो ज़ुबान है ना, उसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो देवनागरी है। आप चाहें तो एक नहीं कई किताब पढ़ सकते हैं और ऐसा समझते हैं कि वो दूसरों से नफ़रत करते हैं, हिंदुओं से नफ़रत करते हैं। खैर, उसको छोड़िए। हाँ, ये हालत हुई मुजीबुर रहमान को 71 में जब बांग्लादेश बना और वो वज़ीर आज़म बन गया। 75 में जो है उसको मिलिट्री के वो लोग जो जमायत इस्लामी की हिमायत करते थे, जो कि ये आज़ादी की जंग के ख़िलाफ़ थे, मुश्ताक खोंदकर वगैरह, अब्दुल रशीद खोंदकर, उन्होंने मिलकर प्राइम मिनिस्टर हाउस पर धावा बोल दिया और उसमें रहने वाले जो भी अफराद थे, यानी शेख मुजीबुर रहमान उसकी फैमिली के लोग, सबको कत्ल कर दिया। उस वक़्त शेख हसीना जो है, उसकी बेटी और दूसरी बेटी रियाना, वो जर्मनी गए हुए थे, इसीलिए वो जिंदा बच गए। और इस तरह फिर बांग्लादेश में जो है ना, आर्मी का दौर शुरू हो गया। है तो बांग्लादेश भी वही पाकिस्तान का बेटा, उसी ही कोख से निकला हुआ है और उनकी सोच भी वही है, इसीलिए तो 77 साल से पाकिस्तान में आर्मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज तो खुलम खुला वो हुक्म चलाते हैं। आप उनके खिलाफ एक FIR फाइल नहीं कर सकते, भले ही आपकी हुकूमत क्यों ना हो। ऐसे भी मैंने कई प्रोग्राम किए। अब बांग्लादेश भी उसी डगर पर चल निकला है और ये लगातार एक के बाद दूसरे बांग्लादेश में कू आते रहे। फिर पहले जनरल ज़ियाउर रहमान की हुकूमत आई, फिर उसकी बीवी
बेगम खालिदा जिया रही, वो बीमार पड़ गई और बाद में फिर वो हुसैन मोहम्मद इरशाद, उसने हुकूमत ले ली। जनरल था, आर्मी चीफ था बांग्लादेश का, उसने भी 6-7 साल हुकूमत की, फिर उसको हटा दिया गया। और 2008 में फिर आके लग रहा था कि अभी बांग्लादेश वापस जमहूरियत की राह पे चल निकला है, लेकिन 2008 से लेकर आज 2024 है, इसके बीच में 3 इलेक्शन जो है वो जीत चुकी है। ये चौथा भी जीती थी शेख हसीना, लेकिन उससे गलती क्या हुई कि उसने अपनी अपोजिशन को बोलने नहीं दिया। क्या है, आप अगर किसी का मुंह दबा के रखेंगे तो जाहिर है वो उछलेगा, और ऐसा ही हुआ। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि शेख हसीना ये गलती कर रही है। एक तो उसको चाहिए कि अपोजिशन को जो है ऑन बोर्ड ले, उनके साथ बातचीत करे, क्योंकि जमहूरियत के लिए अपोजिशन का ऑन बोर्ड रहना ज़रूरी है। आप उसको दबाकर नहीं चल सकते। अगर सियासी पार्टियां आपस में लड़ती रहेंगी, जैसे दो बिल्लियां लड़ती हैं मावे के बंटवारे पे, तो फिर बंदर जो होता है ना वो उसका फ़ायदा उठाता है। अब भी ऐसा ही हुआ, और आज जो है, जबकि ये जो 30% की जो रिजर्वेशन की गई थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द करके उसको 5% पे लाया। और ये बात बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मान ली कि हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर भी फसादात शुरू हो गए। अब यहाँ पर जो है ये जमात इस्लामी का रोल, वो उसके जो है स्टूडेंट्स विंग जो है उनका रोल, और फिर चीन का रोल जो है, हो न हो भले ज़ाहिर न दिखाई देता हो, चीन और पाकिस्तान इसमें मुलविस हैं ही हैं, क्योंकि वो पसंद नहीं करते कि बांग्लादेश की हुकूमत को हिंदुस्तान के साथ दोस्ती हो। और इन 15 सालों में बांग्लादेश की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन पाकिस्तान उससे जलता है, पाकिस्तान उसको अच्छे आंख देख नहीं सकता। इसीलिए वो बांग्लादेश के लोगों के जो इस्लामी जज्बात है उनको उभारता रहता है, और चाहता है कि वहाँ के लोग शेख हसीना की हुकूमत को हटा कर फेंक दे। और आज ऐसा ही हुआ, आज स्टूडेंट्स ने वज़ीर आज़म हाउस पे चढ़ाई कर दी ढाका में, और जो वकीउ ज़मा जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इस वक्त, उसने शेख हसीना को बोला कि तुमको इस्तीफ़ा देनी पड़ेगी। उसने इस्तीफ़ा दे दी, उसको हेलीकॉप्टर से अगरतला भेज दिया गया, यानी अगरतला यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी वो हिंदुस्तान में है, अब वो हिंदुस्तान में दिल्ली में रहती है या कहाँ पे रहती है ये मोदी उसके लिए फैसला करेंगे। उसको तो हमेशा हिंदुस्तान पनाह देता रहा है, 70 में भी दी थी उनको पनाह, उनको 75 में भी दी थी जब शेख मुजीब का कत्ल हुआ, उसकी पूरी फैमिली को कत्ल किया गया था, और आज भी हिंदुस्तान उनको पनाह दे रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात ये है कि बांग्लादेश जो कि जमहूरियत की राह पर चल रहा था, उसको जमहूरियत की राह पर चलने नहीं दिया गया। जाहिर है उसने उसकी अपनी भी कुछ गलतियां हैं, लेकिन मैं कहूँगा इसमें ज़्यादा गलतियां बांग्लादेश की आवाम की हैं, जिनकी सृष्टि में, जिनकी नेचर में, क्योंकि वो भी वही तो पाकिस्तानी है ना, वही मुसलमान हैं, उनको हुकूमत जमहूरी हुकूमत नहीं चाहिए, उनको डंडे की हुकूमत चाहिए, आर्मी की हुकूमत चाहिए। और जिसकी वजह से आज उन्होंने बांग्लादेश की मुंतखब की हुई हुकूमत को हटा दिया और शेख हसीना को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया। अब पता नहीं कितने सालों तक आर्मी हुकूमत करती रहेगी, और बांग्लादेश के लिए फिर से जमहूरियत का ख्वाब उसका शर्मिंदा ताबीर होगा या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें,
प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।